सीरियल आप सभी का फेवरेट है ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए आप सभी के लिए सोचा एक छोटी सी जानकारी लेकर आती हूँ जिसके बारे में आप लोगों को शायद ही पता हो। मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आखिरकार इस शो के अंदर चाहे वो वनराज हो, चाहे अनुपमा हो, चाहे उनके बेटे हो, आखिरकार कौन कितना प्रोड्यूसर से पैसा ले रहा है बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उर्दम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए आपको बता दूं कि जो भी एक्टर्स होते हैं उन्हें हमेशा पर डे के हिसाब से फीस मिलती है डेली सोप्स में। मूवीज में अलग होता है थोड़ा, मूवीज के चार्जेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ही ऑलरेडी लिख दिए जाते हैं और उतना ही मिलता है। अब अगर बात करूं अनुपमा शो की तो शुरुआत करती हूँ रूपाली गांगुली से। आपको बता दूं कि रूपाली गांगुली यानी कि अनुपमा जो है वो पर एपिसोड जो है 60,000 रुपीज चार्ज करती है। तो वहीं पर वनराज जो कि सुधांशु पांडे किरदार निभा रहे हैं ये लेते हैं 50,000। नेगेटिव किरदार में नजर आने वाली काव्या ये ले रही है 30,000। और वनराज और अनुपमा के बड़े बेटे यानी कि पारितोष यानी कि आशीष इनको मिलते हैं 33,000। पारस कलनावत यानी कि आपके समर इन्हें मिलते हैं 35,000। और पाखी का किरदार निभाने वाली इनको मिलते हैं 27,000 पर डे के हिसाब से। तो ये है सैलरी इन सभी की पर डे के हिसाब से। आप सबको बता दूं जिन लोगों को नहीं याद है या जो लोगों को नहीं पता है, इस समय अनुपमा सीरियल की तीन बड़ी स्टार कास्ट जो है फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और साथ में आशीष, ये तीनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसकी वजह से फिलहाल ये होम क्वारंटाइन है। आप लोगों से जानना चाहूंगी क्या आप लोगों का फेवरेट शो है ये अनुपमा, बताइए राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।